हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं चंड जी एक्स्ट्रा चैनल से जया ट्रेलर रिव्यू, माही श्रीवास्तव, दया शंकर पांडे। ओके चंड जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। हाँ जी, तो क्या हाल है? वाजन जी का पुराना राउंड थोड़ा सा बदला सा लग रहा है ना। हाँ ठीक है, मैं गांव आ गया हूँ और ये जो है मेरा एक साल पुराना वाला सेटअप है, तो इस पर ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है? कुछ दिन में इसको थोड़ा चिकना मुकना करवा दूंगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, फिलहाल थोड़ा एडजस्ट करो। खैर, आज हम बात करने के लिए आए हैं, भोजपुरी फिल्मों के बहुत सारे ट्रेलर आ गए हैं किलो के भाव से, जिसमें जीना इसी का नाम है, हिंदुस्तानी, जया और दत्तक पुत्र। इन सारे ट्रेलर को मैंने बारी बारी से देखा और इन सारे ट्रेलर में बात करने के लिए जो है वो जया ही एक थोड़ा सा बढ़िया कॉन्सेप्ट लगा जिस पर बात किया जा सकता है। जया में भी ऐसा कोई बहुत ब्लास्ट टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसी कॉन्सेप्ट पर आप सैकड़ों फिल्में देख चुके होंगे और बाप दादा के ज़माने से ये ऊंच नीच भेदभाव के बारे में सुनते हुए आ रहे होंगे। फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप देख लीजिए, लाखों कई लाखों पोस्ट आपको ऊंच नीच के ऊपर मिल जाएंगे, जिसमें से कुछ तथ्यात्मक भी होते हैं और कुछ तो बिना मतलब के बकवास ही होते हैं। तो जया फिल्म का कॉन्सेप्ट भी यही है, ऊंच नीच भेदभाव वाला। ये अशुद्ध नहीं हो जाएंगे? कॉन्सेप्ट कुछ नया तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि कहानी नहीं है। बट ये ट्रेलर देख करके मुझे लगता है कि इन लोगों ने बहुत लेट कर दिया। इस टाइप की फिल्म आज के 10-15 साल पहले अगर आती तो बहुत इम्पैक्ट डाल सकती थी, बट आजकल ये ऊंच नीच वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इतना घिसा पीटा हो गया है ना कि मुझे नहीं लगता कि किसी पर इसका असर कोई बहुत ज्यादा होने वाला है। हम बड़े का हुए, जात पात में ही बच गए। ट्रेलर देखने के बाद ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि फिल्म की जो कहानी है बहुत लेट में शुरू होगी, क्योंकि 20-25 मिनट तो इस मोहतरमा के तारीफ में कसीदे गढ़े जाएंगे जो ट्रेलर में भी गढ़े गए हैं। बनारसी मिजाज की एक चुलबुली सी लड़की। ट्रेलर देखकर तो ऐसा लगता है कि यस कहानी बढ़िया होगी फिल्म की, लेकिन ये कहानी बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन फिर भी 2.5 घंटे की फिल्म तो बनानी है ना, तो स्टार्टिंग इसका मुझे लगता है कि काफी बोरिंग होने वाला है। फिल्म का जो मेन मुद्दा है वो जातिगत ऊंच नीच का मुद्दा नहीं है। हाँ इसका भी थोड़ा बहुत एंगल जरूर है, बट ये कहानी पूरी तरह से उस पर बेस्ड नहीं लग रही है, बल्कि महिला पुरुष के बीच का जो अंतर है। बहुत सारे अगर आप धार्मिक दृष्टि से भी अगर देखें तो बहुत सारे धर्मों में ऐसा, बहुत सारी चीजें रिवाज ऐसा है कि ये पुरुष कर सकता महिला नहीं कर सकती, इस टाइप के भी बहुत सारे धर्मों में है चलन। तो ये फिल्म उसी चलन को चैलेंज करने वाली है ऐसा लग रहा है। उनको पता नहीं है कि औरत शमशान घाट पे नहीं आती है ना। लेकिन इसमें जो मुद्दा उठाया गया है कि जैसे शमशान में महिला क्यों नहीं जा सकती, पुरुष ही क्यों जा सकता है, तो ये मुद्दा कोई ऊंच नीच वाला मुद्दा तो है नहीं, ये तो एक धार्मिक मुद्दा है। तो लगभग सभी धर्मों में ऐसा ही नियम है कि पुरुष जाते हैं और पुरुष ही चिता को आग देते हैं या फिर कब्र में मट्टी डालते हैं। तो ये फिल्म का ट्रेलर देख करके ऐसा लगता है कि इसी रिवाज को चैलेंज ये फिल्म कर रही है। बात औरत जात का है। ट्रेलर के लेंथ की अगर बात करें तो 3 मिनट 53 सेकंड की है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा खींच दिया गया है। 3 या 3.25 मिनट का अगर ये ट्रेलर होता तो थोड़ा सा और बेस्ट होता, क्योंकि इस ट्रेलर को अगर आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो एक नहीं दो दो बार सीन को रिपीट किया गया है, तो उसको रिपीट ना करके अगर ट्रेलर थोड़ा छोटा कर दिया गया होता तो शायद थोड़ा और बेस्ट लगता। इस ट्रेलर में ये दिखाया गया है कि लड़की जो है वो प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा भी होता है, लेकिन शादी नहीं हुई रहती है, और मुझे लगता है कि फिल्म में इस चीज़ को जस्टिफाई किया जाएगा और इसको अच्छा बताने की कोशिश की जाएगी। वनवास के बाद भी औरत ही घर निकाला सहती है। तो देखो ऐसा है ना कि अगर लड़की जो प्रेग्नेंट है वो बच्चा अगर जबरदस्ती का है तो ठीक है, जस्टिफाइंग करना जरूरी है, लेकिन अगर वो उसकी मर्जी का है शादी से पहले बच्चा, तो आप अगर फिल्म में इसको सही ठहराने की कोशिश करते हो तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत फैसला हो सकता है। हाँ ठीक है, जो रूल है कानून है वो सब अलग, बट हमारे देश की एक संस्कृति है, एक कल्चर है कि बच्चा शादी के बाद होता है, लेकिन आप बिना शादी के बच्चा पैदा करवा करके अगर उसको आप सही ठहराओगे, हो सकता है कानूनन सही हो लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से ये सही नहीं है। हम किसी अमेरिका या इंग्लैंड के पड़ोसी नहीं ना हैं, उनका कल्चर हो सकता है भाई, ये हमारा कल्चर तो बिल्कुल नहीं है ये। हाँ ठीक है, आप कहेंगे कि भाई हमाम में सब नंगे हैं, वो अलग चीज़ है, छुप छुपा के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हो सकता है आप दारू भी पीते होंगे, हो सकता है आप मांस भी खाते होंगे, हो सकता है उसके बाद भी आप अपने आप को शाकाहारी बताने की कोशिश भी करते होंगे,
होता है ये सब कुछ, लेकिन फिर भी हर चीज का एक दायरा है ना, एक पर्दा है ना। तो बिना शादी का जो बच्चा है, अगर वो जबरदस्ती का है तो ठीक है, गुनहगार तो वो है जिन्होंने जबरदस्ती किया। हालांकि उसके बाद भी बहुत सारे मेडिकल सुविधाएं हैं जिससे आप छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर ये मर्जी का है, उसके बाद अगर आप इस प्रोसेस को अपनी फिल्म में सही ठहराने की कोशिश करोगे तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी सही है। हाँ ठीक है, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सबको आज़ादी है, बट उस आज़ादी का इतना भी दुरुपयोग तो नहीं होना चाहिए ना। जो अपनी संस्कृति है, जो अपने देश का कल्चर है, उसे बचा के रखना भी हमारा ही काम है। देखो ट्रेलर से तो समझ में नहीं आया, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि इस फिल्म में लड़की को एक लड़के से प्यार होता है, जिसका हिंट भी ट्रेलर में थोड़ा सा दिया गया है, जहां पर लड़की और लड़का दोनों जब मंदिर से बाहर निकलते हैं तो लड़का पूछता है कि आपने क्या मांगा, तो लड़की अपने फादर के बारे में कुछ बताती है कि उनको सपने को साकार होते हुए देखना चाहती है। बट जब लड़की पूछती है कि आपने क्या मांगा, तो लड़का कहता है कि आपको, इसका मतलब यही है कि लड़की को इसी लड़के के साथ प्यार होता है और दोनों में गुप चुप भी हो जाता है, और जो ये बेबी बम्प है ये उसी का नतीजा लग रहा है। इसमें ये दिखाया जाएगा कि जो लड़का है वो बड़ी जाति का है, लड़की छोटी जाति की है, इस वजह से दोनों में रिश्ता नहीं हो पाता है और लड़की को मजबूरी में बच्चा पैदा करना पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ दिखाया जाएगा, जो कि लगभग हजारों फिल्मों में ये सब हो चुका है। तो सच में अगर यही कहानी है फिल्म में, उसके बाद भी आप बिना शादी के लड़की का बच्चा पैदा करना अगर आप सही दिखाना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से ये गलत डिसीजन है, वो भी आज के समय पर जहाँ पर बहुत सारे मेडिकल सुविधाएं हैं कि आप आसानी से फ्री हो सकते हो। खैर यूपी बिहार में हो करके भोजपुरी लैंग्वेज में इस टाइप की फिल्म बनाना जो जात पात ऊंच नीच भेदभाव के ऊपर हो, ये भी अपने आप में एक साहस का काम है, हिम्मत का काम है। सबके बस की बात नहीं है कब कहां से विरोध शुरू हो जाए, सही बात, कोई नहीं जानता। जाहिर सी बात है जब जात पात ऊंच नीच भेदभाव पे फिल्म बनाओगे तो ऐसे में जो ऊंची जाति के होते हैं उन्हें ही विलेन दिखाया जाता है अक्सर, और दिखाने वाले भी वही होते हैं, तो इसका भी जिता सजेगा। खैर इतिहास में क्या हुआ, क्या सही है, क्या गलत है मुझे नहीं पता, मैं ज्यादा इतिहास पढ़ता नहीं हूँ, सिर्फ एक मनोरंजन की दृष्टि से देखा जाए तो ठीक है, ये बस एक फिल्म है और उसी नजरिए से सबको देखना भी चाहिए, मन मनोरंजित हो उससे ज्यादा और क्या ही चाहिए, है ना। बाकी ये जो फिल्म है जया, ये आपका कितना मनोरंजन कर पाती है वो तो वक्त ही बताएगा। फिल्म कब रिलीज होगी इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। खैर माही श्रीवास्तव फिल्म के लीड रोल में है और ट्रेलर में जितना दिख रहा है उस हिसाब से ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इन्होंने एक बेहतरीन एक्टिंग की है। ये अशुद्ध नहीं हो जाएंगे? फिल्म के लैंग्वेज की बात करें तो ये भोजपुरिया टोन में जरूर है, बट सारे संवाद जो है वो हिंदी में है। 1825 बार आप हमारा कसम खा चुके हैं। ट्रेलर बढ़िया है, एडिटिंग अच्छी है, कलर ग्रेडिंग अच्छी की गई है। अगर इसी पिक्चर क्वालिटी के साथ फिल्म सिनेमा घर में आती है तो ये फिल्म जरूर अपनी एक अलग पहचान बना सकती है। धीरू यादव ये वो नाम है जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, बढ़िया डायरेक्टर है। रत्नाकर कुमार ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। हाँ संघर्ष 2 भी इनकी फिल्म थी। आजकल बढ़िया पैसा खर्च कर रहे हैं ये और अच्छी फिल्में बना रहे हैं, तो फुल उम्मीद है कि जया भी एक अच्छी फिल्म होगी। फिलहाल वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर ये ट्रेलर आया हुआ है, आप जाइए देखिए। अभी तक तो आपने देख भी लिया होगा, मैं ही थोड़ा सा लेट हूँ, बट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देखिए और आप अपना एक खुद से ओपिनियन बनाइए कि आपको कैसा लगा, हमें भी बताइएगा कमेंट में। बाकी कोई बात बात करनी है तो इंस्टाग्राम पर आइए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लाइक करके जाइएगा। ओके तो यहाँ पे ये झंड जी का ओपिनियन था, है ना, जया पिक्चर को लेके बारे में। अभी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं यार, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच हो सकती है ना, अलग अलग नज़रिया हो सकता है, सबका नज़रिया एक जैसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं, और सबकी सोच एक जैसी हो ऐसी ज़रूरी नहीं, है ना। आजकल का टाइम यार बहुत सारी कैटेगरीज में बट गया है, बहुत सारी कैटेगरीज में बट गया है। कुछ लोग प्रैक्टिकल दृष्टि से देखते हैं, कुछ लोग सांस्कृतिक दृष्टि से देखते हैं, कुछ लोग दोनों ही चीज़ों पर ध्यान देते हैं और कुछ लोग न्यूट्रल होते हैं, उन्हें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जो इस मूवी को अगर मैं आज के टाइम पर देखूं, ठीक है आज के टाइम पर, है ना, तो अगर मेडिकल सुविधाओं की बात की जाए भाई, उसकी बात तो पहले छोड़ दो, पहले यहाँ पे यही चीज़ देख लेते हैं कि अगर आप tier 1, tier 2, tier 3 टाउन में हैं, तब tier 3 को छोड़ दो, tier 1, tier 2 टाउन में हैं तब तो फिर भी यू कैन सर्वाइव,
विद अ सिंगल पेरेंटहुड, ठीक है? लाइक सिंगल पेरेंटहुड का मतलब है आप केवल माँ या केवल बाप बनकर ही एक बच्चे को पाल सकते हो, उसमें सोसाइटी को इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है टीयर वन टीयर टू टाउन्स में, ठीक है? लेकिन टीयर थ्री या टीयर फोर यानी कि गांव देहात में या कस्बे वगैरह में, ऐसी जगहों में इस बात का बतंगड़ बहुत बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है ना? और वो क्यों बनता है? ऑफकोर्स क्योंकि भाई माहौल का फर्क हर किसी पर पड़ता है ना? माहौल का फर्क हर किसी पर पड़ता है, बट वही है, ऐसी जगहों पे अक्सर इंसान अपनी इंसानियत भूल जाता है ना? इंसान अपनी इंसानियत अक्सर यहाँ पर भूल जाता है। हाँ, वो अलग बात है, देखो प्यार में धोखा बहुत लोग खाते हैं, है ना? लेकिन प्यार में अगर आप अंधे होकर धोखा खाओगे तो ऑफकोर्स कहने वाले लोग कम नहीं है, है ना? अंधे होकर धोखा मत खाओ कि आप प्यार में अंधे हो गए, आपको पता ही नहीं है कि हाँ आपको दिख ही नहीं रहा आगे का कुछ, कि फ्यूचर है क्या हमारा, जो अंतर, अगर आप जानते हैं कि हाँ हमारी हम किस जगह पर रहते हैं, किस माहौल पर रहते हैं, किस माहौल में रहते हैं, ठीक है, और वहाँ पर ये ऊंच नीच कितना आपके रिश्ते को आपको इफेक्ट कर सकती है, तो वहाँ पे आई थिंक सो संभल कर चलना चाहिए इस चीज़ में। और दूसरी बात, अगर कोई लड़की, जो देखो ये मेरा ओपिनियन है, अगर कोई लड़की इस तरीके से प्यार में धोखा खाकर और उसके बाद ऐसे गर्भवती हो जाती है ना, और देन अगर उसका मन है, ठीक है, इस चीज़ को, ये यहाँ पर परिवार के सपोर्ट की बात आ जाती है कि हाँ भाई वो उस नन्ही सी जान की जान नहीं लेना चाहती है, जहाँ जिसे मतलब जिसकी कोई गलती ही नहीं, गलती तो यहाँ पे उनकी है जिन्होंने धोखा दिया, या फिर तुम्हारी खुद की भी गलती है कि हाँ तुमने बिना कुछ सोचे समझे ऐसा कदम उठा लिया, तुम ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि तुम किस माहौल में हो, ठीक है? यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं, यहाँ पर दोनों चीज़ें आप ध्यान में आ जाती है कि गलती किसकी है, ठीक है? उस अनबॉर्न चाइल्ड की गलती है जो अभी दुनिया में आया भी नहीं, जिसने कुछ देखा भी नहीं, और मैं दोनों प्रोस्पेक्टिव से आपको अभी समझाती हूँ। पहला प्रोस्पेक्टिव तो ये है कि हाँ उस नवजात शिशु की क्या गलती है, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब लड़की को इतना सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है, ठीक है, और उस माँ की भी क्या गलती है जिससे प्यार में धोखा मिला है, ठीक है? तो यहाँ पे तो पहला ये प्रोस्पेक्टिव हो गया। दूसरी बात ये रहती है कि हाँ आपको और आगे का थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि वो नवजात बच्चा जब दुनिया में आएगा, ठीक, तो कुछ टाइम बाद उसी माहौल में, आपको भी उसी माहौल में रहना, उस बच्चे को उसी माहौल में रहना है, तो लोग उसका जीना भी हराम कर देते हैं, है ना? क्योंकि ये दुनिया बड़ी निर्दयी है भाई, बहुत ज़्यादा निर्दयी है, कभी नहीं सोचती है कि हाँ हमारे शब्दों से किसको दुख पहुँचता है, किसको कष्ट पहुँचता है, किसकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है ना? बहुत ही ज़्यादा निर्दयी समाज है ये, तो इसलिए जिस समाज में आप रह रहे हो उस हिसाब से ही फैसला लेना चाहिए, आई थिंक सो, ठीक है? क्योंकि कुछ चीज़ों का असर यार सब पर पड़ता है, है ना, सब पर पड़ता है, बट वही चीज़ है भाई, एक लिमिट होती है हर चीज़ को सहने की, क्योंकि समाज जो है वो लोगों से बनता है, लोग जो हैं वो समाज से नहीं बनते, ठीक है? सोसाइटी को हम ही लोग बनाते हैं, और सोसाइटी के हिसाब से जो सोसाइटी के नियम होते हैं वो भी हम ही लोग बनाते हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हमेशा चेंज होते रहते हैं, वो अलग बात है। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना।